वो पीडीयू को लेकर के है कि किस तरीके से जो हमारा शोषित वर्ग है, जिसका शोषण कर करके एनडीए की सरकार ने आज जीना दुश्वार कर दिया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, सुरक्षा के नाम पे महिलाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ अत्याचार हो रहा है, हमारे जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई का दर बढ़ता ही चला जा रहा है, बिजली की व्यवस्था तो पूरी ठप है, क्षमता वृद्धि का कहीं भी किसी भी ट्रांसफार्मर का नामो निशान नहीं है, एक ट्रांसफार्मर एक दिन भी नहीं चल पाता है और अगले दिन फिर वो बनने के लिए जाता है और एक हफ्ते लग जाते हैं उस ट्रांसफार्मर को ठीक होने में। अगर हम चिकित्सा की बात करें तो आप देख लीजिए स्ट्रेचर तक नहीं मौजूद हैं। आए दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने ट्वीट के माध्यम से भी बताना चाह रहे हैं कि कम से कम अब तो आप सुधर जाइए, अब तो संभल जाइए। आप बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट और वन हॉस्पिटल की और आप स्ट्रेचर तक नहीं दे पा रहे जनता को कि वो अपने लोगों का इलाज कर सके, उनको कम से कम हॉस्पिटल में पहुंचा सके। आज पीएससी और ये सीएससी की इतनी बुरी स्थिति है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 9 साल की सेंट्रल की सरकार हो गई, डबल इंजन की और अब तो कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है इनकी, और 9 साल कोई छोटा मोटा दौरा टाइम तो होता नहीं है। साथ ही साथ 7 साल हो गए इनकी उत्तर प्रदेश की सरकार, और ये कहते हैं कि किसी ने खराब कर दिया और हम ठीक कर रहे हैं, तो आपका तो ठीक दूरबीन लेकर के भी दिखाई नहीं देता है। अगर आपने ठीक कर दिया है तो आए दिन, अभी कोरोना काल तो आप छोड़ दीजिए, उसके लिए तो आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे। अभी जो रीसेंट डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया से जिस तरीके से लोग लाचार हैं, इतनी सारी डेथ हुई, यहाँ तक कि प्लेटलेट की जगह पे जूस चढ़ा दिया गया एक पेशेंट को, और आप कहते हैं कि आपने व्यवस्था ठीक कर दी है। आज स्ट्रेचर नहीं है कि किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जा सके, बेड्स नहीं अवेलेबल है, डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल है, आपकी दवाइयाँ जो हैं वो सरकारी दवाइयाँ फेंकी रह रही हैं कचरे में, आपको छापा मारना पड़ रहा है, ये स्थिति है। आपके 7 साल के कार्यकाल में आपने ये ठीक किया कि आपको अब जा करके छापा मार के ये स्थितियाँ दिख रही हैं, और आप कहते हैं कि आपने चेंज कर दिया। बीजेपी के तमाम बहुत मजबूती से सामना कर रहे हैं, पीडीए सामना कर रही है, चाहे हमारा पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो या दलित समाज हो, सब एक साथ जुड़ करके मजबूती से इसका सामना कर रहे हैं, और वो परिणाम बताएगा। क्या रिजल्ट निकलेगा यहाँ से? अगर बिल्कुल डेफिनेटली निकलेगा, और बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा, और जनता की जीत होगी।